मथुरा के थाना छाता कोतवाली के अंतर्गत कस्बा छाता में बस स्टैंड के पास रात्रि में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार यह दुकान विष्णु सेठ की बताई जा रही है, जो कि फ्रीज, टीवी, एलईडी आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचा करते थे। जहां रात्रि में कस्बा में गश्त दे रहे पुलिस कर्मियों ने इस घटना की सूचना दुकानदार को जैसे ही दी, तो दुकानदार को इस बात की पता चली तो वह दौड़कर आया और शटर खोलकर देखा तो आग ने भयंकर रूप ले लिया था। आग की सूचना स्थानीय पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को दी। वहीं सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार विष्णु सेठ ने बताया कि उसका करीब 6-7 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। कहाँ के रहने वाले हैं? छाता के। पता है क्या घटना हुई? आग लग गई दुकान में। कैसे लगी? कितने बजे की घटना लगी? 1:30 बजे की घटना है। रात के 1:30 बजे की। क्या सामान था दुकान में? इलेक्ट्रॉनिक सामान था, फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखे, GMG, इलेक्ट्रॉनिक का काम था हमारा। लगभग कितने रुपए का नुकसान हो गया है? करीब 7-8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का। फायर सर्विस की गाड़ी वगैरह आई थी? हाँ आई थी, पुलिस ने सूचना दी थी जब फायर की गाड़ी आई थी रात में। इसकी सूचना आपने थाने में दे दी? हाँ दे दी है। अभी कुछ पता चला किन कारणों से आग लगी? नहीं नहीं कुछ नहीं पता। कोई पता नहीं।